हैप्पीनेस सप्ताह का हमारा आज दूसरा दिन है। तो सबसे पहले हम माइंडफुलनेस करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप आंखें बंद करने में असहज महसूस कर रहे हैं तो आप आंखें खोलकर नीचे की तरफ देख सकते हैं। कमर को बिल्कुल सीधी करें। अपना ध्यान अपने सांसों पर लेकर के जाएं। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। आपका ध्यान आपके बैठने की स्थिति में, और जैसे ही आप सहज महसूस करें धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। हाँ जी, कोई बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। हाँ जी सर, जब हमने मतलब आंखें बंद करी तो हमें काफी साइलेंट सा फील हुआ, और सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाते रहती, दिमाग चलते रहता है, शोर होते रहता है, सर में दर्द होते रहता है, बट साइलेंटली था तो हमें काफी आरामदायक फील हुआ। ओके, आरामदायक आपको आराम फील हुआ। एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी बहुत ही गजब की है। अपनी कॉपी ले लो, कॉपी निकाल लो। कॉपी पेन आपके बेंच में होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, कॉपी का एक पेज निकालना है बाहर। अच्छा वाला पेज निकालो, बड़ा सा, ये छोटा डायरी से नहीं चलेगा, बड़ा सा पेज निकालो। हाँ, पूरा पेज निकालो एक। उस पेज में अपना ऊपर नाम लिखेंगे। हाँ, एक पेज आपको निकालना है और पेज के टॉप में अपना नाम लिखें आप। अगर आपके क्लास में एक ही नाम के दो या तीन बच्चे हैं तो आप अपना फादर नेम लिख सकते हैं। अब आपने जिस कॉपी से पेज निकाला है उसी कॉपी का दूसरा पेज ले लो, लेकिन इसे फाड़ना नहीं है। वहाँ पर अपने बारे में जो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, वो लिखें आप। कितनी खूबियाँ हैं आपके अंदर वो लिखें उसमें। जो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो उस पेज में लिखें जो कॉपी में है। अभी अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखें आप। एग्जाम्पल के लिए, आप हेल्पफुल होंगे, आप कभी क्लास बंक नहीं करते होंगे, बाहर नहीं जाते होंगे, आप हर काम को समय से करते होंगे, या आप घर में अपने घर वालों की मदद करते होंगे। जो भी आपको अपने अंदर खूबी लगती है, एक दो तीन, वो आप लिखें अपनी खूबी। थोड़ा सा सोच सकते हैं आप अपने बारे में, आप कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, क्या क्या क्वालिटी आपके अंदर है। अभी आपका क्या है, सब आप ग्रुप में बट चुके हैं। ये सारे बच्चे, इन सब बच्चों का एक ग्रुप है, इन बच्चों का सबका एक ग्रुप है, इन वाले बच्चों का सबका एक ग्रुप है, और आपका एक ग्रुप है। अब आपने एक दूसरा पेज भी लिया है ना, दूसरा पेज लिया है, उस पेज में अपना नाम सबने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, वो पेज रोटेट करना है। मतलब आपको अपना वाला पेज इनको देना है, ये उनको देना है, तो एक का पेज सातों के पास आएगा। इसी तरह से आपका ग्रुप सबके पास जाएगा, पेज आपका पेज सबके पास जाएगा, आपका भी सबके पास आएगा, आपके पास छः पेज आएंगे, सात पेज आएंगे आपके ग्रुप के। हाँ, आपका नहीं आएगा, छः आएंगे,
समझ आ गया। हर बच्चे के पास 6 पेज आएंगे और आपको क्या करना है, जो नाम लिखा है ऊपर उस नाम को पढ़ें। उस बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी आपको नज़र आती है, कौन सी खूबी नज़र आती है, आप थोड़ा सा सोच करके भी लिख सकते हैं। समझ आया सबको? और जब आप खूबी लिखेंगे तो अपना नाम नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने किसी बच्चे के लिखा कि वो सबकी मदद करती है, तो नीचे अपना नाम ना लिखे, बस लिख दो ये सबकी मदद करती है या तुम सबकी मदद करती हो। समझ आ गया? किसी को डाउट है? नहीं है तो फटाफट से अपना वाला पेज पड़ोसी में सरका करें और अपने ग्रुप में आप एक दूसरे को देते रहें। अब आपको अपने पेज में नहीं लिखना है बल्कि दूसरों के पेज में लिखना है। हर पेज में जब वापस आएगा तो 6 बातें होनी चाहिए। अगर आपको लगता है किसी बच्चे का पेज आपके पास आया, आप 2 बातें लिखना चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे सिर्फ अच्छी बातें लिखेंगे आप, जो उसके अंदर क्वालिटी है। अब आपके पास आपका पेज नहीं है तो दोस्त का नाम ठीक से पढ़ें आप। तो अब आपका जो आपकी एक्टिविटी है वो लगभग कंप्लीट सी हो गई है। और एक बार जरा दिखाओ, जरा अपना लिखा हुआ दिखाओ। पढ़ लिया आपने? पढ़ो जरा आपके बारे में क्या क्या लिखा है आपके ग्रुप ने। सबने अपने अपने बारे में पढ़ लिया? पढ़ो एक बार। ऐसी कौन सी खूबी थी जो आपको अभी पता लगी, आपके ग्रुप ने बताया? कोई 2 आपको शेयरिंग करनी है? यस, इधर आपको कोई 2 सबसे अच्छी वाली खूबी शेयरिंग करनी है जो आपको नहीं पता थी कि मेरे अंदर ये टैलेंट था। यस बताइए। वाह, तो आपको ये अच्छा लगा कि आप सभी की बात सुनते हो। चलिए आप बताओ। सर, जोर से बोलो। मैं ज्यादा किसी से नहीं लड़ती। ये आपको पता था? नहीं पता था, अभी पता लगा आपको कि आप ज्यादा किसी से नहीं लड़ते हैं। और यस, कोई बच्चा शेयर करे अपना वो खूबी जो आपको अभी से पहले पता नहीं थी। कौन सी नई बात आपको पता लगी? जोर से बोलो। आप किसी से? और दूसरी बात? कूड़ा कूड़ेदान नहीं फेंका? क्या बात है। अपने बारे में जानकर के आपको कैसा लगा? कैसा लगा और क्यों लगा? कुछ यूनिक सा। हाँ जी बताओ। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे अंदर मतलब ये खूबी थी असलियत में, और आज आपको पता लग गया है कि आपके अंदर ये भी खूबी है। यस, और कोई बता? अच्छा, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने बारे में आज से पहले सोचा ही नहीं था? अपने बारे में सोचा ही नहीं था, आज आपको मौका मिला अपने बारे में सोचने का। कैसा लगा आपको? थोड़ा फीलिंग शेयर करें अपनी। मौका मिला? हाँ जी, कैसा लगा आपको अपने? अच्छा लगा। अपने बारे में आप खुद सोचते रहेंगे, अपने बारे में आप खुद सोचने की हैबिट डालेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? हाँ जी, क्या फायदा होगा आपको? बहुत बढ़िया। और कोई फायदा हो सकता है? क्या फायदा होगा बताओ? अपने बारे में जानेंगे तो मतलब कि हम क्या करते हैं, हमें क्या हो रहा है, हम सबको पता है। हमें अपने बारे में जानने से काफी फायदा होगा, अपने बारे में जान पाएंगे। और बच्चा कोई? यस सर, हम अगर अपने बारे में जानेंगे तो हम अपने आप को और बेटर कर सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। बहुत अच्छा, आप अपने बारे में और अच्छा जान पाओगे और अच्छा कर पाओगे। हाँ जी सर, हम अपने बारे में जानेंगे तो हमें मतलब
जो चीज़ हमारे अंदर नई होगी हम उसे भी कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे अंदर सीख मिले हमें, जो नहीं है उसका भी पता लगेगा हमें और हम काफ़ी चीज़ें सुधार भी कर सकते हैं ना। यस, कुछ और कोई बच्चा और शेयरिंग करना चाहे? अभी आपको क्या करना है, घर जाना है, अपने बारे में अपने आप को रिलेट करते हुए चित्र बनाना है, घर जा कर के अपनी खूबी के बारे में जो भी आपके अंदर जो आज आपको पता चला या पहले से पता था उस खूबी को रिलेट करते हुए एक चित्र बनाएंगे और उसे हम कल अपनी क्लास में शेयर करेंगे कि हमारा जो चित्र है हमारे बारे में वो कैसा लगा आपको। तो पेन साइड करके पेज अंदर रख लो कॉपी के अंदर और सभी बच्चे अपनी आरामदायक स्थिति में बैठ करके आंखें बंद कर लीजिए। और आज की गतिविधि कैसी लगी, कैसी थी, आपने क्या किया उसे महसूस करें। पूरी गतिविधि पर एक नज़र डालें आप। जब आप सहज महसूस करें आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं।